What's up, guys? सलमान इज हियर, वेलकम टू माई चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? तो आज का दिन नई स्टोरी, नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है और ये आइस वाली बारिश है, छोटी छोटी आइस ड्रॉप हो रहा है। तो मैं निकला हूँ अपने घर से और मैंने एक दोस्त को फोन किया। मैंने, यार एक काम करते हैं, चल मैं तेरे को आकर पैक करता हूँ। उस दोस्त ने पूछा कहाँ जाना है? मेरा बीच की तरफ। उसने बोला, ओ भाई माफ कर दे मुझे। तो मैंने माफ कर दिया, अकेले जा रहा हूँ। थोड़ा सा क्लाउडी भी होना शुरू हो गया है। मैंने सोचा सर जाके देखते हैं बीच पे जो वेव्स हैं, क्या हाल चाल है इस ठंड में। तो थोड़ी देर में वहाँ पहुँचते हैं, मिलते हैं। उस टाइम तक मैं थोड़ा सा चॉकलेट डैनिश विद माई स्टारबक्स एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं बीच के करीब। गेट नंबर 4 है बीच का, पर बंद किया हुआ है। तो मैं जाता हूँ गेट नंबर 5 पे। ट्राई पूरी मारूं मैं आया हूँ यहाँ पर। तो अब आप ये देख लो, ये यहाँ से बंद है, सो दैट मींस वी कैन नॉट गो देयर। पर जब ये खुला हुआ है, उधर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, तो मैं क्यों रुकूं? I'm gonna pass it through with no problem. कम से कम मेरे को वेलकम करने के लिए कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। My duckies, what's up duckies? ठंड नहीं लग रही है? अच्छा, so here I am. इस वक्त जो विंड जो है इतनी तेज जबरदस्त चल रही है, चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ट्राई करते हैं बीच पर जाने की। तो मेरे दोस्तों, भाइयों एंड फैमिलीज, हियर आई एम। क्या क्या जतन करने पड़ता है। सो सीरियसली, जो विंड चल रही है ना, ठंडी बर्फ की, आहा, मजा आ गया, मजा आ गया मुझे। आपसे देख रहे होंगे कितना रश है इस बीच के ऊपर, चकाचक भरे हुए हैं। वाह, क्या सीन है, जबरदस्त। निकर निकर, आपका व्हाइट टाइगर है। ये देखो यार, तो भाई
गाड़ी में आके बैठना पड़ा। ठीक है, आपने रश तो देख ही लिया। अब पता नहीं मैंने जो भी बोला है बीच के ऊपर, विंड इतनी तेज थी और मैं अपना सोनी का कैमरा नहीं निकालना चाह रहा था बिकॉज विंड इतनी तेज, वो भी जो आइस की बारिश हो रही है, तो वर्थ नहीं करता था वो कैमरा निकालने का। दिल तो बड़ा कर रहा था यार आप लोगों को मैं दिखाता रियल शॉट, पर फिर आ जाऊंगा जिस दिन बारिश नहीं होगी। ठंड का तो कोई वादा ही नहीं है, उसमें तो आ जाऊंगा, पर थोड़ी सी बारिश है जो है ना, और असल में स्टॉर्म आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, स्नो स्टॉर्म आने वाला है, बताया यही था कि आज रात से शुरू हो जाएगा और संडे को यहाँ पर जो है ठीक ठाक स्नो स्टॉर्म का बताया गया है। तो स्टॉर्म आने से पहले ये शुरू हो चुका है और इस वक्त उंगलियाँ जो थी ना मेरी, वो पता नहीं कहाँ चली गई थी भाई। I was stop feeling my fingers। चलो थोड़ा सा एफर्ट दिखाया है, छोटी मोटी क्लिप आ गई है, होपफुली अच्छी लगेंगी आपको, अच्छी लगेंगी। दिल करे तो कमेंट्स थोड़े दे दिया करो भाई। ठीक है, नहीं अच्छी लगे स्टिल आई लव यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आगे की कहानी यह है, थोड़ी सी मैं आपको सुनाता हूँ कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे एक दोस्त हैं, एक फैमिली है जिनके घर में 7 लोग हैं, 5 बच्चे हैं, शायद याद होगा अगर जिसने वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो पिछली वाली वीडियो है, थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लो और कोशिश किया करो वीडियो को पूरी देख लो आखिर तक। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। ठीक है, मज़ा नहीं भी आ रहा है तो फ़ोन पर चालू करके वीडियो को छोड़ दो, पूरी हो जाए तो लाइक कर दो। ठीक है, अच्छी लगे तो कमेंट्स मार दो, और ज़्यादा अच्छी लगे तो जो बैल है ज़रा खटाक से जो इसको बजा दिया करो। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, तो मैं अपना एफर्ट दिखा रहा हूँ, आप लोग अपनी थोड़ी सी मोहब्बत दिखा दिया करो अगर दिल करे तो, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, व्हाटएवर यू लाइक। तो बैक टू द स्टोरी, स्टोरी ये है तो वो जो लड़की की कहानी है आज, उसका नाम जो है मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, उसका नाम है माइक, MIKE। तो उसको वीडियो में लाना था, उसके फादर को वीडियो में लाना था, पर अभी इस टाइम पर जो है मैं नहीं ला सक रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि उसकी जो है अभी तबीयत, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को टिप्पणी दे चुका था, बता चुका था कि वो ज़रा सही नहीं है। अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, कल मेरे उसके फादर से मुलाकात हुई थी, वो बता रहे हैं वो लास्ट 5 दिन से अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला है, ना वो खाना खा रहा है, ना कोई चीज़ पी रहा है, वो अपने रूम में है। ठीक है, तो ये है टफ सिचुएशन उस लड़के की। तो देखो एक दो दिन में मैं कोशिश करता हूँ उसके घर पर जाऊँ, बेस्ड ऑन हिज फादर कि वो शायद तुम्हारी बात सुन ले, तो करते हैं ट्राई, जाएंगे। पर वो अभी तक जो है 5 days डे एंड नाइट, ठीक है, उसका रूम है, उसके रूम में बाथरूम है और उसका अपना जो भी स्लीपिंग बिस्तर वगैरह जो है, बेड वगैरह है, वो है वहीं पर है, पर वो खाना नहीं खा रहा है, नॉक किया जा रहा है डोर का, वो डोर नहीं खोल रहा है और ही इज़ फाइन, रिप्लाई कर रहा है वो, पर वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा है। सिर्फ उसका जो छोटा भाई है जानत है इज गुड, उसने बताया उसके रूम से सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं और वो खुद समझ में नहीं आ रहा कि किससे बातें कर रहा है और ये कौन सी लैंग्वेज है और ये किससे जो है मीटिंग में पिछले 5 दिन से बिजी है। अजीब चक्कर है भाई। ठीक है, इज सैड, वेरी सैड। देखो आगे क्या होता है, तो ये थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट देनी थी। कुछ गिने चुने मेरे पास कमेंट्स आए जिन्होंने बोला है कि आप उनको लेके आए वीडियो में, वीडियो में मुझे लाने के लिए कोई मसला नहीं है, पर ये सिचुएशन जो है बड़ी क्रिटिकल है, इसको मुझे बहुत संभाल के, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। लाऊंगा ज़रूर, और जो मैंने वादा किया है उस फैमिली से कि बहुत जल्दी आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट, इसको रेडी या तैयार कर दूंगा
अगेन आई एम जस्ट गोना ट्राई, मैं ये नहीं बोला गारंटी ये होगा, एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूँगा ना कि उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए और वो जिम जाना शुरू कर दे, एक्टिव हो जाए, दोबारा रेडी टू गो हो जाए। तो बाकी आप लोग दुआ करना, अपना सपोर्ट देना, रेस्ट ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो सबको सही रखे, सेहतमंद रखे, मेरी तो यही दुआ है। तो ये थी अपडेट उस फैमिली की, ठीक है। और दूसरा ये है यार कि मैंने बता तो दिया था कि मैं कैमरा जो ले चुका हूँ वो है सोनी A7C, जो मुझे पसंद आया है, इज अ कॉम्पैक्ट कैमरा फुल फ्रेम। तो अभी तक मैंने इससे कुछ खास शूट किया नहीं है, ठीक है, अभी उसे शूट करना शुरू करूँगा। मुझे एक लेंस चाहिए था उसके लिए जो मेरे लिए ज़रूरी था, लेंस के साथ आया है, पर मुझे अच्छा एक वाइड लेंस चाहिए था जो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने रेकमेंड किया है, वो है सोनी FE20mm f/1.8। ये है वो लेंस, जी लेंस जिसको बोला जाता है, 20mm, बेस्ड ऑन जो मैंने वीडियोस देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, दिस लैंप इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेंस आउट देयर, स्पेशली फॉर व्लॉगिंग, ठीक है। पिक्चर्स क्वालिटी बड़ी शानदार होती है इसकी, तो इसको अनबॉक्स किया जाएगा, लेंस में लगाया जाएगा और जैसे वेदर सही होगा यूज़ किया जाएगा। इसनो आने वाली है, बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ी शानदार शानदार वीडियो बनने वाली हैं। आपका बाइक टिकने वाला तो नहीं है, वो तो घुस जाना है स्नो में भी और वीडियोस बनानी है, ठीक है। बहुत जल्दी एक दो प्लान्स बना रहा हूँ, कुछ ट्रिप बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ विंटर में छकाछक जो ठंड होती है उसमें आके कैंपिंग करके दिखाया जाए। देखना है तो कॉमेंट्स कर देना, थोड़ा सा बूस्ट अप कर देना, ताकि फिर मैं रोहन को तंग करूँ और बोलूँ बहुत हो गई भाई आ जाओ जंगल में चलते हैं, ठीक है। तो बनाते प्लान, अभी तक के लिए मैं इसको यहीं पर फिनिश करता हूँ, इसको अनबॉक्सिंग बाद में करूँगा, अभी मैं बाहर हूँ और आप लोगों इसकी क्वालिटी बताऊँगा कैसी है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, थोड़ी सी अपडेट उस फैमिली की देनी थी मैंने आपको दे दी है, और स्टे पेशेंट, वो फैमिली आएगी, ज़रूर आएगी, और बहुत सारी इतनी सारी स्टोरीज हैं यू हैव नो आइडिया, और ऐसी ऐसी स्टोरियाँ कि आप सोच में ही पड़ जाओ, ठीक है। तो उसको पूरा मैं एक तरीके से कुछ एपिसोड में बनाऊंगा जो आपको, अगेन ये कोई स्टोरी बनाई हुई तो नहीं है, दिस इज़ अ रियल थिंग हैपनिंग, सो उसको मैं कैप्चर करके आप लोगों को बताऊँगा और आप लोग सोचना समझना, कुछ टिप्स देना मेरे को कि मैं क्या चीज़ यूज़ करूँ कि इनकी जर्नी थोड़ी ईजी हो जाए और आगे के लिए अच्छा हो, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखना, बहुत जल्दी ब्लॉग में मिलते हैं एक नए, अभी हो सकता है एक आध दिन में या एक दो दिन में अगर वेदर सही रहा तो फिर ट्रिप लगेगा मैनहट्टन, मैनहट्टन जो हमारे लिए तो मैनहट्टन ऐसा हो गया जैसे मेरा ससुराल, ठीक है, जैसे रोहन भी वहीं पहुँचा रहता है, मेरा भी मैनहट्टन जाना रहता है, लगा रहता है, इसलिए मैनहट्टन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको जितना हम एक्सप्लोर करेंगे वो कम है, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाने की, ऐसे बिल्डिंग्स नहीं है, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोगों का क्या लाइफ स्टाइल है, तरह तरह के डिफरेंट टाइप के लोग हैं वहाँ, वो मैं थोड़ी डिटेल में आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बड़े कैरेक्टर्स हैं, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत सालों से रह रहा हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं बात करने की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो जो आप लोगों को डाल रहा हूँ या थोड़ी सी बड़ी हो गई तो माफ़ करना भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसको एडिट करना अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों को दिखाना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, पर मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो छोटी से छोटी रहे, पर वो हमें जितना छोटी से छोटी बोलता हूँ इतनी बड़ी से बड़ी रहती है। सो बड़ी वीडियो आई एम सॉरी, अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ, फिनीतो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।